काशी सदियों से सनातन परंपरा की नगरी रही है। काशी को भोले बाबा की नगरी भी कहा जाता है। काशी में द्वादश ज्योतिर्लिंग है और हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। हरिद्वार के बाद काशी दूसरा शहर है जहां मां गंगा भगवान भोले को दोबारा मिलती है। ऐसे में काशी में दर दर पर मंदिर और शिवालय हैं, लेकिन वक्त वक्त पर मुस्लिम आक्रांताओं और मुगल बादशाहों ने काशी की सनातन परंपरा पर चोट करने की कोशिश की। मैं प्रत्युष खरे आज आपको इतिहासकारों और पुरातत्व वैज्ञानिकों की नजर से ज्ञानवापी का सच बताऊंगा। फिर आप खुद तय करिए कि ज्ञानवापी का सर्वे जरूरी है और क्या आगे ईसाई को वहां खुदाई भी करने की जरूरत पड़ेगी क्या, क्योंकि मुस्लिम पक्षकारों ने विवाद को जिस दिशा में ले जाने की कोशिश की है उससे एक बात तो साफ है कि अब यह विवाद आगे और गहराने वाला है। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद में किसी को एंट्री नहीं देना चाहते, जबकि साधु संत इस बात पर आंदोलन की धमकी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द ज्ञानवापी से श्रृंगार माता को आजाद कराएं और जैसे रामलला 400 साल के बाद भव्य मंदिर में विराजे हैं, वैसे ही श्रृंगार माता का भी भव्य मंदिर वहां पर बने। हिंदू पक्षकारों का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक शिव मंदिर तोड़कर बनाई गई है। वो ये भी दावा करते हैं कि आखिरी बार 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए सेना भेजी थी, लेकिन मुस्लिम पक्षकार इस सच को मारने के लिए तैयार नहीं। मैं आपको आज फारसी में लिखी उस चिट्ठी के बारे में बताऊंगा जिसे औरंगजेब के एक दरबारी ने लिखी थी। इसके अलावा अंग्रेजी लेखकों की राय भी आपको बताऊंगा जो काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद का दौरा कर चुके हैं। अब तक ऐसा कोई लेखक नहीं मिला जिसने ये नहीं कहा हो कि ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू मंदिर का आभास होता है। लिहाजा बेहतर होगा कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष वैज्ञानिक तरीके से इस पर विचार करें और अगर वैज्ञानिक तथ्य ये साबित करते हैं कि मंदिर तोड़ा गया था तो फिर उसी आधार पर आगे का फैसला भी हो। भोले की नगरी में क्यों बरपा हंगामा? ज्ञानवापी पर कौन कर रहा तमाशा? मां श्रृंगार गौरी की घर वापसी में विघ्न डालने वालों की भीड़ ने जुमे के दिन जमकर बवाल काटा। देश का बाबर प्रेमी गैंग बनारस में सनातन की उस सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उस सच की खोज में निकली अदालती टीम की राह में रोड़े अटकाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। उसे लगता है कि 1995 में जिस तरीके से 4 सदस्यों की जांच कमेटी को ज्ञानवापी में घुसने से रोक दिया था और मुलायम सिंह यादव मान गए थे, वैसा वो 2022 में भी कर लेंगे। लेकिन समय का चक्का बदल चुका है। जो कानून के रास्ते में रोड़ा बनता है उस पर यूपी में बुलडोजर चलता है। लिहाजा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को रोकने की साजिश फेल हो चुकी है। योगी राज में भला किसकी हिम्मत है कि श्रृंगार माता का रास्ता रोके? मुस्लिम पक्षकारों और लेफ्ट लिबरल गैंग से सवाल है कि अगर ज्ञानवापी में देवी देवता और उनके विग्रह नहीं हैं, तो साल 1992 से पहले ज्ञानवापी परिसर में नियमित पूजा क्यों होती थी? ज्ञानवापी परिसर में नंदी का मुंह मस्जिद के गेट की ओर क्यों है? ज्ञानवापी की दीवार में मां श्रृंगार देवी कैसे मौजूद हैं? हिंदू पक्षकारों का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर के ढांचे पर खड़ी है, ठीक उसी तरह जैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी। लिहाजा ज्ञानवापी की खुदाई हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हिंदू मंदिर था जिसको तोड़कर आज जो ढांचा आप देख रहे हैं, जिसको मुसलमान ज्ञानवापी कहते हैं, वो खड़ा किया गया है और ये एक मील का पत्थर साबित होगा। मस्जिद में कोई आदमी प्रवेश करता है और कोर्ट ने मस्जिद में प्रवेश करने के लिए ऑर्डर नहीं किया है तो यह अपने आप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। और किसी के घर में, किसी के मंदिर में, किसी के परिसर में बिना अधिकार प्रवेश करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है। इतिहास बताता है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने कई बार काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया। 1194 में मोहम्मद गौरी ने मंदिर में तोड़फोड़ कराई, फिर 1447 में जौनपुर के शिरकी सुल्तानों ने हमला किया। इसके बाद 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने मुगल सेना काशी भेजी, जिन्होंने काशी के 63 मंदिर तोड़ दिए, लेकिन काशी विश्वनाथ का बाल बांका नहीं कर पाए।
1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद तामीर कराई। युद्ध में उलझे औरंगजेब के पास इतना वक्त नहीं था कि वो काशी में नई मस्जिद बनाता, लिहाजा उसने मंदिर के अवशेष पर ही मस्जिद खड़ी करा दी। अंग्रेज राइटर रेग्नेल्ड हेबर ने 1824 में बनारस का दौरा किया। अपनी किताब में हेबर ने लिखा है कि जहां ज्ञानवापी है वहां हिंदू मंदिर था, लेकिन एडमिन ग्रीव्स ने अपनी किताब काशी द सिटी लेस्टर्स में लिखा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में ऐसी कई चीजें हैं जो हिंदू मंदिर की झलक देती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि विदेशी सैलानियों और लेखकों को क्यों ज्ञानवापी की बनावट मस्जिद के बजाय मंदिर जैसी लगती है, क्यों उन्हें अनुभूति होती है कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है। जो मुस्लिम पक्षकार ज्ञानवापी का सच सामने नहीं आने देना चाहते उन्हें 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब के दरबारी का लिखा खत भी पढ़ना चाहिए जो वाराणसी के सिविल कोर्ट के पास मौजूद है। फारसी में लिखे इस खत में साफ लिखा है कि 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया और ज्ञानवापी का निर्माण कराया गया। मुस्लिम पक्षकार जैसे आज ज्ञानवापी का सच नकार रहे हैं, ठीक वैसे ही बाबरी के पक्षकार भी नकार रहे थे, लेकिन जब सर्वे हुए और साक्ष्य सामने आए तो सनातन से साजिश का खेल खलास हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।